कर्मंत कभू न तरूं न डरूं अर्षों जब जाए लरूं निश्चय कर अपनी जीत करो। लुटेरिया ने देश के चारा कूटा में जुल्म दी अग मचाई हुई सी, हर पास्यों हाहाकार सुनाई दे रही थी। तद सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंद जग चानन हुआ। सतगुरां बाबर के जुल्म अपनी अखा नाल तकिया ता अकाल पुरख नु इस तरह मेणा दिता, खेती मार पई कुरला ने तै की दर्द ना आया। पर जरवाणियां दा मासूमां ते जुल्म चलदा रहा, हमले हुंदे रहे, लुट सुट चलदी रही। पर जुल्मों सितम दे तूफान नूं ठंडियां करन लई श्री गुरु अर्जन देव जी शहीद होए ते सिख जगत नूं शांति ते तेरा किया मीठा लागे दा गुरमंत्र मिलिया। भारी हुंदी गई, जुल्म दा तूफान तेज पर तेज हुंदा गया, हाहाकार होर वधदी गई। तां इस चीफो पुकार नूं सुन के अकाल पुरख वल्लों हुक्म होया, तां संत सिपाही बादशाह दरवेश श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अवतार धारिया। रब्बी नूर अमर सितारे कलियां वाले इस धरती ते आए। नासिरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, नासिरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, इज़दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, इज़दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह। हकरा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैजे नूर गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह, शाह शहंशाह गुरु गोबिंद सिंह। खालसो बेकीन गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आईन गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह। धर्म की रक्षा ले जुल्म दे खिलाफ श्री गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली दे चांदनी चौक विच शहीद होए। फिर की सी, एक दम हाहाकार मच गई। लोहे नाल लोहा लेना, इतना जवाब पत्थर नाल देना समय की मंग सी। जुल्म की इस हनेरी को रोकने लिए श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसे की सिरजना की थी। पांच प्यारे साजे अमृत छकाया ते खुद छकिया। गुरु महाराज के अमृत विच ओ शक्ति सी कि चिड़िया ने बाजा नूं ढा लिया सी। सवा लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, तब गोबिंद सिंह नाम खाऊं। गुरु महाराज
महाराज की सुनहरी मुर्शे वाली तरफान से लिखा सी, मैं हार नहीं जानता। जांदी दहशत उन्होंने डरा ना सकी, ताकत उन्होंने हरा ना सकी। हर हमले का हस के मुकाबला किया, मुट्ठी पर सिंगा ने हक्के छुड़ा दिते। वड़े वड़े जालम ते नरदई खब्बी खान सिपा सलारा ने चढ़ाई की, पर गुरु साहब के तीर सामने कोई ना टिक सकिया, गुरु साहब के निश्चय नूं कोई ना डुला सकिया। चमकौर की गली से कमसान का युद्ध होया। इस युद्ध विच दोवें वड़े साहबजादे शहीद हो गए, बहुत सारे सिंह भी शहीद हो गए, पर गुरु महाराज के इरादे ना डोले। जुल्म के खिलाफ मासूमां की ढाल बने रहे। हिंदू मुसलमान ते सिख उन्हां लई एक ही नूर सन। देश धर्म ते इंसाफ की खातर उन्हां अपना सरबंस वारिया। मासूमां की राखी लई उन्हां ने खालसे की सिरजना की थी। खालसा उन्हां दा खास रूप है। पातशाह खालसे दे हमेशा अंग संग सहाई हुंदे हन। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੁਖ ਹੈ ਅੰਗਾ। फिर असा तो इस नगर का अन्न पानी चक्या। चाले क्यों पाते हो जी? हां जी सिंगो, दूजिया के बोझा बनना गुरु के सिंह का काम नहीं। पर तुसी रोक क्यों नहीं जाते जी? बहीरा पाना फौजा नु गुरु का हुक्म है। बाबा जी तुसी गुरु घर की सेवा बड़ी कर ली, तुहाडी सेवा दी पिंड नूं लोड़ है। ऐ सारे तुहाडे बच्चे ने, ऐ रुक जाओ तुहाडी बड़ी मेहर होएगी। मेरे अड़गे मणके ते मणका मारन वाले बथेरे मिल जाएंगे, पर तुहाडे अड़गा महापुरश सारे पिंड च कोई नहीं। जाओ तेरी ते ओह गल है, छोटे हुंदे टगे चारे वड्डे हो अलवाया, बुढ़ी होके माला फेरी रब दा लंबा लाया। ओए होए 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 होए, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਐਵੇਂ ਮੋੜ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਲਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਹਰ ਮਲਾ ਪਾਸੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਮਲਾ ਪਾਸਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਆ ਪਰ ਸਿੰਘੋ, ਮੈਂ ਭਲਾ ਨਗਰ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰਾਖੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਤਿਵਚਨ ਭਾਈ ਸਿੰਘੋ, ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੁਖੀ ਰਹੋ, ਸੁਖੀ ਰਹੋ ਬੱਚਾ। ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੁਚੰਗੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਕਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੀਏ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਸੂਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਸਜਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ? ਮੰਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੱਥ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ। ਲੈ ਧੀਏ ਤੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਸਜਾ।
इस लड़कियां भी पहनदिया ने बाबा जी, पर कलचे चूड़िया क्यों ने, आई मीन बैंगल। तू चंगना लोहे का कड़ा ही पादिया। लोहे का कड़ा चूड़िया क्यों ने बाबा जी? ए लोहे का कड़ा है जी, गुरु महाराज का पक्षिया बंधन, ताकि एना दुआ हाथा नाल जी कोई पाप ना करिए, ते एना दसा उंगलां दी किरत कमाई खाई, ते नाले पुत्र ए लोहे का कड़ा पान नाल डर नहीं लगता। यू मीन ए छो मंत्र है? आई मीन भूत, भूत ना ना भूत। अगर मैंने किसी भूत ने डराया तो मैं छू करके छू मंत्र कर दिया। छू 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 छुरी आहा देखिए बाबा जी, फल कटने वाली छुरी है। यू मीन एप्पल? पर साडे घर तो बहुत छुरियां ने, इस नु तुसी रखो, तुहाडी सब्जी कटन दे काम आएगी। की फिट बाबा जी? ए सब्जी कटन दे नहीं पुत्र, ए मेरे वांगर गले च पान दे। शाबाश शाबाश। हाँ नाइस, कितनी अच्छी लग रही है, पर मेरे टेलर ने तो बना के नहीं दी थी। यस स्टूपिड। तो बाबा जी, ए जो सब्जी भी कटी जा सकती है ना? ये ए इज्जत दी राखी करन वाला शस्त्र है, ए पहनिया होवे तो कोई भैड़ी चीज नेड़े नहीं आंदी। भैड़ी चीज? यू मीन घोस्ट? हाँ धीए, कड़े तो भूत प्रेत डरते ने, ते किरपान तो जीवंदे प्रेत। किरपान जिस वेले म्यान चो निकलदी है ना, ते जीवंदे प्रेत अलोप हो जांदे ने। जीवंदे प्रेत भी होंदे ने? हाँ पुत्र, ऐसे करके गुरु महाराज ने यह शस्त्र सानू बख्शे है, एनु कदे उतारना नहीं। गुरु महाराज? यू मीन गॉड? पर बाबा जी, गॉड ते अंग्रेजा ना हुंदा? हाँ पुत्र, अंग्रेजा दा गॉड है ते साडा गुरु महाराज। पर ओ कौन सी बाबा जी? दशमेश पिता, जिन्हां ने यह सब सानू बख्शे है। तू बाबे दी घोड़ी, वो तेरा सच्चा नाथ, वो तेरा सच्चा नाथ, वो घोड़ी है तेरा सच्चा नाथ। क्यों भाई सुखी सांदी, क्यों कख नहीं रहा? वो कुछ बोल तो सही। बोला की बाबा जी, बोलन जोगरा था मैनू किसने छड्या नहीं, मैनू ता धरती पे नहीं दिंदी। पर भक्ता मनु भी ता कुछ पता लगे। बाबा जी मैं की बोला, मेरी ता सारी फसल बर्बाद होगी, मैं किधर नु जावा, मैं ता हुन पत्या गया। ओ पर होया की? तुहाडी कुड़ी ने मेरी सारी फसल बर्बाद करती, मैं की करा? जान दे भक्ता, ओ भी ता रब दा जी है, उसने भी ता पेट भरना ही होया। पर मेरा पेट ता खाली करता, मेरे ता मोर उठ गए, मैं की करा, मैं ता पत्या गया। किन्ना कु नुकसान होया भक्ता? सारा कुछ ही फना हो गया। चंगे वचन बोल भक्ता, चंगे वचन बोल। चंगे वचन कितों बोला, जे कुछ बचा होवे तो चंगे वचन बोला मैं। फिर हुन दस की कीता जाए? बाबा जी हुन ऐ करो, मेरे खेतां नूं पानी लग रहा है, माड़ा जिहा पानी भद्द छड्ड दिओ, आपे घाटे पूरा हो जूगा। पाप दी कमाई विच नीयत नहीं रखी दी भक्ता। ओ पाप पुन्न नूं कौन पुछदा है, छड्डी केरा बाबा बन के होर केरा ला दे रंग, आपे कदर पूरी हो जूगी। बस नहीं 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 पक्का है, पाप मेथो नहीं हो सकता। फिर मैं किधर जावा? ओए उससे भरोसा रख, वागुरु आपे तेरे काटे पूरे कर देगा। वो किने पूरा करूंगा, पानी तो तू ले बैठा है, और मेरे तो उड़ा ते मोर। सतना 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 शिवाय। ओए होए बाबा, ना ता सोनू कदे चाह पीन देवे, ते ना ही सोनू भाई कदे फीम खान देवे, ते कदे कदे पैग भी पीना पै जांदा है, ना ही सोनू पैग पीन देवे। मैनू तो ऐ लगदा है सोनू ये भुखा मारूगा, अगो लोगों नु आखदा है लाल तो पैसे ना लो, भला जे सुनु 2 रुपये देके 4 रुपये लै भी ले, कदे 50 रुपये देके 100 रुपया लै भी लिया, 200 रुपया देके 400 रुपया लै भी लिया, फर्क ही पै गया। इन्हू माड़ा पासे कर ला। डर लगदा है? तो डरन दी कोई गल नहीं, डरदा नहीं मैं, पर इन्हू माड़ा एक पासे रखिया करो, ये जे पड़ाके साध कोल जाके पाया करो। हाँ सीधी गल है, चाह पियो यार, कमाल दी गल है, चाह पियो 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 चाह यार पियो। हाँ आ गया स्वाद। खंड ही नहीं यार। खंड तो खंड था, डॉक्टर ने किन्ने दे पहले घट पाई हुंदी है, खंड नाल शुगर दी बीमारी हो जांदी है, ता घट पाई आ। हां सीधी गल यार, इहदी पत्ती भी है नहीं। ओहो ज्यादा पत्ती दा नशा वाला हो जांदा है। डैडी डैडी आ गए। डैडी हाय सनी, हेलो माय डार्लिंग डॉटर। डैडी
डैडी मैं डार्लिंग डॉटर नहीं, मैं बहादुर सिंह ने की हूँ। आ देखो मैं प्यार पर प्यार हूँ। परे तो नहीं पिसलते चक्कर वाले बाबा जी ने, ये सब पुरानी चीजें हैं, तो तू नई लाइक की लड़की। तो डैडी कितनी सोनी लगती है, सी हाउ नाइस इट लुक्स। ठीक है पर ये पुराना फैशन है। तो डैडी यू डोंट लाइक इट तो मैं ना पावा। वो छट पुरानी चीजें तुझे तो हर वेले शिकार दी गल्ला करते रहते। बाबा जी तो कहते सर इन धार्मिक चीजों की साढ़े लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है तू पाई रख। कपड़े बनवा के दियो ना कि जेडी गल। बहुत सारे कपड़े बनवा। मम्मी काका मम्मी तू आ गया। मेरे सर सत श्री अकाल। मेरे टीचर सत श्री अकाल। हेलो बैठो सत श्री अकाल। सर मेरी सिस्टर जगी सत श्री अकाल। 11 बजे पढ़ती है। बैठो सर। काका तुम्हारी बड़ी तारीफ करता है। तो जी उसकी आदत है। मम्मी ये साढ़े पिंड की जानकारी प्राप्त करना है ने। सर साढ़ा पिंड हिस्टोरिकल विलेज है ना। हाँ इस दी इतिहास विच बहुत विशेष थां है। हाँ जी बाबा तो तानू बड़ी मदद मिलेगी। हाँ माता जी वो बहुत पढ़े लिखे महापुरुष हैं, उन्हें तो बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। हाँ सर बहुत फैशनेबल ने, तरह तरह की चीजा पाके रख देने। क्यों मामा जगी जो मुंह ही चांदा कह देनी है, जरा अकल तो काम ले। फिर किस तरह कहीदा, तानू कुछ सिखाया ते है नहीं। ये सब अंग्रेजी स्कूलों की विद्या का असर है, असि अपना इतिहास अपना कल्चर रहत मर्यादा सब कुछ भूलते जा रहे हैं। सॉरी मामा गलती हो गई, माफ कर दियो ना प्लीज। लो फिर तानू आज उस खरगोश का गोश्त खवाओगे जिन्हों मारन ले मेरे 400 कारतूस फुक गए। बड़ा ही चला खरगोश। डैडी तुम्हारे नाल भी। डैडी को खरगोश ने। ए लो जी कुट मारो। जी मैं नहीं पियांगा। क्यों तबीयत खराब है? जी मैं शराब नहीं पींदा। यू मीन यू डोंट लाइक? नो आई डोंट लाइक। हाउ सैड, पर साडे हॉस्टल दी लड़कियां भी पींदियां ने। बहुत बुरी गल है, आजकल दे लड़के लड़कियां शराब पी के बर्बाद होते जा रहे हैं। चलो बहादुर प्यो जो शेर पुत्रा फर्क मार। चलो कुड़िए तू एक कुट पी लै, एदे पीन नाल ठंड ठुंड नहीं लगदी। चल पी लै। खबरदार जग्गी। सरदार जी तुसी कदी ते इन्हां नूं अकल दी गल सिखाया करो। क्यों इन्हां नूं पढ़ा के अंग्रेज ते बना दिता, होर की गवर्नर बना दिया। ऐसी गल दवाना है कि इन्हां नूं भी अंग्रेज बना दिता है। पहले इस कुड़ी ने पराए कर जाना है, इन्हें सिर ढक्कन की भी जांच नहीं। मैं कहनी हाँ तुसी आप ते शराब छड़नी नहीं, फिर इन्हें क्यों बिगाड़ रहे हो? ओहो तुसी रहन दो नशाबंदी के प्रचार नू, जरा मीट अगे करो, दाढ़ तकरारी कर लीए। लो फिर मां प्रसाद छको। जी मैं मीट नहीं खांदा। तुसी मीट भी नहीं खांदे तां फिर दुनिया तो की लेके जाओगे? धर्मराज ने की जवाब दोगे? नाले मां प्रसाद तो गुरुओं ने भी मना नहीं किया। पर जी गुरु महाराज ने कितने नहीं कहा कि मीट खाना जरूरी है। पर आपन तो मीट के बगैर चलदा नहीं। क्यों काका? डैडी लो। ओ तू खा भाई ए ले। मैं क्या जी खाना तैयार है। मजा आ गया डैडी, मैं भी कल शिकार से जावांगी। तुसी अपने फौजी चाचा नाल चले जाना, मैं शहर कम है। फैंटास्टिक, फौजी चाचा गल्ला भी बड़ी इंटरेस्टिंग कर देने। व्हाई आर यू लाफिंग? पता है फौजी चाचा सवेरे 5 बजे शिकार खेडन जांदा है। फौज विच भी वो 5 बजे परेड करया करदा सी। ते तेरा की मतलब है मैं सवेरे 5 बजे नहीं उठदा थी? नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं सी, मैं तां ही गल कीती है। तू एवें ही नहीं किया, तू टांच कीती है ए बिग स्टार। ओ नो डार्लिंग सिस्टर, अगर थोड़ा जा लेट जागे जाए फिर नहीं चलेगा? नो no, बिल्कुल नहीं चलेगा, उदो तक सारे तितर उड़ जाएंगे। आज मैं तितरां दियां फौजां दी फौजां तबाह कर देंगा। मेरी अखां विच खून उतर चुकिया है, गुस्से नाल मेरी नसा फुल गई है। फौजी चाचा सच सच दसो तुसी कोई फौज दुश्मन मारिया भी है? ओ बुढ़िए सच तो मैं दस दिया, लेकिन तू मेरा विश्वास नहीं करना। नहीं मैं विश्वास करांगी। हाँ फिर दसो किन्ने दुश्मन मारे? दसा फिर दसो। अज मैं जिंदगी विच पहली बारी सच कह रहा, मेरे कोलों कदे भी एक दुश्मन भी नहीं मरिया। अरे तितर पाजी चाचा कोई हाथ लगा? अरे कुड़िए अगर चाचे दा निशाना इन्ना पक्का होंदा आज वो कितने फौजां दा जरनैल होंदा। मजे दी गल हैगी, मैं बंदूक मारी तितरां नूं तां पत्ते साल छड़े दरख्तां दे। ओ भैया आराम नाल मारी, किसी नूं मारन छड़ी
ਕੋਟਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਓਏ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੋਟਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿੰਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਉੜਦੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖੰਭ ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਗੋਲੀ ਜਰਾ ਹੌਲੀ ਚਲਾਣਾ ਝਾੜਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਤਰਬਨਾ ਸੁਣ ਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆ ਚੰਗਾ ਕੋਟਨੇ ਨੂੰ ਭਰੇ ਰੱਖ
शुक्र है वाहेगुरु का तेनू भी अकल आई है। वड्डा शिकारी बनता है घर की औरत को डर के मंजे हेठा मरना है। थोड़ी ज्यादा मलाई पा दी मैनू जरा कब्जी शिकायत है। चाह मिलेगी पहले वादा कर हूं तू कुड़िया नाल नहीं नचेगा। मैं नहीं नचेगा मेरी तौबा तेरे प्यो की तौबा है। नहीं नहीं मैं सिर्फ तेरे नाल नचेगा चाहे जरा छेती आई। ने मेरा पसीना कच छड़िया। की क्या? नहीं नहीं मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी। कितना प्यारा कोटना है रोज मेरी सेवा करता है। ओ छड़िया कर प्लान मारियां मोटियां सटा दी परवाह नहीं करते हौसला रख। ओए तू राजा है? आहो पर आजकल मैं अपना नाम मिर्जा रख लियो। क्यों लगना करे मिर्जा बग बग ना कर इथे मैं बह गया। दस किवें है? ओ हाल चाल पुछन दुख सुख वंडान नाले सोचिया भरा दे टकोर करा वा। ओ मिर्जिया तू मेरा दुख वंडान नहीं आया तू मेरे जख्मा ते लून छिड़कन आया। ओ छड़िया कर मित्रां दा लून मिश्री करके मन्नी दा सुनिया नहीं। ओ मित्रां दा लून दी डली मिश्री बराबर जानी। ओ मित्रां दा लून दी डली मिश्री बराबर। ओए तानसेन दी औलादे मेरे कंधा खा दस क्यों आया? ओ प्रावा बड़े ही जरूरी काम आया। ओ पक भी ओ दो दिन अपना पिस्तौल ता मंगवा दे। पिस्तौल? आहो पिस्तौल कोई कोटन है जो तेरे हाथ ही फड़ा दे। कभी शीशे में अपनी शक्ल देखी है? सच ओए हीर दे मामिया आज बड़ा सजे है कितों दी तैयारी है अपने सोरे तो नहीं चले पर ताई है ते तेरा पिस्तौल मांगने आ असि सोचिया जरा सालियां ते रो भी पाइए। हां फिर पिस्तौल की असि खुद चलने असि खुद बड़ी वड्डी तोपा। किथे जा रहे है? तोपखाना किथों आ गया? कुछ नहीं असि एवें ही गल्ला कर रहे सन शेर दे शिकार दी। तैनू पता है मैनू शेर दे शिकार दा किन्ना शौक है। हां हां मेरे दो नहीं चार कान ने मैं सब सुन लिया। हुणे तू नक तो लकीरा कर रहा है हुण फेर शुरू हो गया। हुणे फिर कट देने जो मेरे खट्टू तू फिर आ गया मेरे मर्द नु बिगाड़न। तैनू शर्म नहीं आंदी बिशर्मा? ओ चाची मैं ता तेरे हाथ दी बनी चाह पीन आया लोग ता तेरी चाह दी तारीफ ही बड़ी कर दे आ। अच्छा आहो तेरे तू बैठ मैं तेरे वास्ते भी चाह बना के ल्यानी आ। आराम ना लाई। क्यों चाचा मानना है ना सानू गुरु ओए औरत नू ता फूक दे के पावे खूंच सुट दियो। मां गुरु जी जग्गी शेर लो गरम गरम चाह आ गई है। हाय हाय की घोड़े बेच के सुते हुए ने मैं जगानी है। इडियट। सॉरी मामा। जगी तू मामा नू होटल की माई समझा सी ना। शट अप पता बोलिया ना का। बस बस बंद करो ताड़ा है झगड़ा खोता ऐ लो तुहाडी बेड टी पता नहीं कित्थों पैड़ियां आता ला लईयां ने सवेरे सवेरे ना दातन ना मुंह तोड़ा ना पाठ करना बस बिस्तर च बैठे बैठे चाह पीनी। मम्मा तुहानू की पता बैटी कितनी मजेदार हुंदी है। हां बैटी आई एम सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी मम्मा मैं सर नु वादा कीता सी बैटी रहंदा। हाउ ब्लेजी आई एम मम्मा मैं ज्यादा लेट तो नहीं हो गई? हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। सर जगी सॉरी सर आई एम लिटिल लेट। चाह लेके आयो ये बैटी है ये मॉर्निंग टी। सर बैटी पर मैं तो बैटी लेंदा नहीं नाले हुन तो 7 बजने वाले ने गुरुद्वारे जान दा टाइम है। यस सर चलोगे? ओके सर मैं हुने तैयार हो गया गुरुद्वारे जाना चाहिए। सुनो कहानी गुरां दे सिंह मुरीदां दी कौम दे वीर सिपाही अमर शहीदां दी। इक वेले सी गुरां ते वेला इम्तहान दा आया भुख प्यास
ਸੱਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਾਇਆ ਰੋਕ ਕੇ ਕੋੜਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੀਰ ਤਾਣ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਡਾਡਾ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਾਡਾ ਝੱਖੜ ਆਇਆ ਮੀਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੱਚਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪਰ ਟਾਲਾਂ ਵੰਡਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਿਪਤਾ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਿਪਤਾ ਟਾਲੀ ਗੁਰਾਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਂ ਜਦ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਪਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਵਿਚਕਾਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਲਬ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਿਆਰੇ ਕਿਹਾ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਸ ਦਾਨ ਦਿਓ ਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਸੀ ਨੇ ਗੁਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਦੁਲਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਚਮਕੇਗਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਜੂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਹੁਲਾਰੇ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਓਯੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਦਕੋਂ ਮੂਲ ਨਹਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਮਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋ ਕਹਾਣੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਪੱਲੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੇ 200 ਮਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 400 ਮਨ ਕਣਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਨੀ ਮੈਂ ਟੁੰਡੇ ਲਾੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਡਾ ਦਿਆਂ ਤੋਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂ ਮੋਚੇ ਫਿਰ ਨੀ ਪਰਵਾਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਭਲਾ ਬਾਬਾ ਮੰਨ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੌਜ ਬਣ ਜੇ ਪਾਪਾ ਬਾਜ ਨਾ ਹੋਏ ਇਕੱਠੀ ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੂਤ ਆਇਆ ਸਾਥ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਲੈ ਜੂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਮੋਰ ਤਾਂ ਉੱਡਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਚੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੰਗਾਂ ਦੱਬਦੀ ਹੈ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਬਸ 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 ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨੂਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਥਾ ਕਿੰਨਾ ਲਿਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਸ਼ਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਵਾਹ 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 ਭਗਤਾ ਪਾਰ ਨਾ ਚੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਟ ਦੱਸ ਕਸ਼ਟ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰ ਪਿਆਸਾ ਖੂਹ ਕੋਲੇ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੋ ਬੁੱਝ ਲਓ ਜੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਫਸਲ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛਲ ਹੋਰ ਜੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੌ ਬਾਰਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਬਸ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਭਗਤਾ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਤੇ ਕਦੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜਾ ਸਬਰ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਜਾ ਜਾ ਹਾਂ ਕਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੋਰ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਡਾ ਤੇ ਤੋਤੇ ਤੇ ਪਾ ਤੇ ਮੋਸ਼ੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਐਂ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਸੀ ਟੰਗਾਂ ਦਬਦੇ ਦਬਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅੱਗੋਂ ਟੰਗਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਮੋਟੀਆਂ ਮੂਸਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਮਲਾ ਝੋਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਲੱਸੀ ਪਾਲਦਾ
रूढ़ी मल्ला आज तेरे नाल होई बहुत बुरी है। चलो चंगा चल दुकान से। जड़ी ऐसी बुजारत पावे जड़ी किसी को बुझी ना जावे। मामा मैं पावा जी मैं बुझली फिर सौदा नोट तेरा अच्छे तो बुझी ही नहीं जाने। ए, पा फिर। हाँ फिर तीन कीड़ियां जा रही सी शिकार खेडन। नहीं नहीं मेरा मतलब है कि रस्ते रस्ते जा रही सा। अगली कीड़ी कहंदी मेरे पीछे दो कीड़ियां, पिछली कहंदी मेरे अगे दो कीड़ियां। हुन दस किनियां कीड़ियां? दस दस दस। मम्मी ए की बुझारत है? यू मीन सो सिंपल। ता फिर अगे सुन। विचकारली कीड़ी कहंदी मेरे अगे दो कीड़ियां ते मेरे पीछे दो कीड़ियां। बुझ हुन की होया? मामा सौ दा नोट इत्थे रख दियो। आई मीन हियर हियर हियर। एल सब हार गए ना? हार गए? शुड आई पिक इट अप? शुड आई? बट माय डार्लिंग डॉटर। नहीं मामा मैं एक बहादुर सिंह नहीं हूं जिसने कोई नहीं जितदा। जितोगे? वाहेगुरु तेनू कोई नहीं जित सकता। एक दस कि अगली कीड़ी कहती है मेरे पीछे दो कीड़ियां, ते पिछली कहती है मेरे अगे दो कीड़ियां, ते विचली कहती है मेरे पीछे भी दो ते मेरे अगे भी दो कीड़ियां। ए किवें होया? बस तुसी सब हार गए ना? हां हार गए। हां मामा ओ कीड़ी पूतनी ता झूठ बोलदी सी। सर एक ही लिख रहे हो तुसी? जगी मैं माई पागो ते एक चैप्टर लिख रहा। माई पागो? वो कौन सी? जगी बड़े अफसोस की गल है कि तू एक सिख लड़की होने के बावजूद भी ये नहीं जानती कि माई पागो कौन सी। सॉरी सर, आई एम रियली वेरी सॉरी, पर एविच मेरा की कसूर है? सानू कदे किसी ने यह जी गल्लां दसन की कोशिश ही नहीं की। जगी तेन तो सिख हिस्ट्री पढ़नी चाहिए है क्योंकि ज्यादा सिख हिस्ट्री तो इंग्लिश में है। वैसे अजकल कुछ विद्वान पंजाबी विच भी बहुत अच्छी तरह लिख रहे ने। ओह नो, छोड़ देना भी। चल उठ, वड्डी पड़ाकू आ ताश खेडी। मैं नहीं खेलती ताश, मैं पढ़ रही हूं। जे सर चार पांच दिन होर रह गए ना तू कम हो गई। शट अप, गेट आउट। मैं नहीं जाऊंगा, इत्थे बैठ के ताश खेलूंगा। ताश खेलेगा? तू ऐसे जाना है कि नहीं? अरे ताश खेल। मैं की क्या, तू ऐसे जाना है कि नहीं? बोले सोनिया। सत श्री अकाल, मैंने जान दे। मैं तेरे से पैरा ला जाऊंगा। मम्मी चुक 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 चुक। सर इंजन रुक गया। वे हुन ते इंजन ना आख, किन्नी पतली होके आई आ, कमर छिती वर्गी हो गई है। सर बचे बटेर सारे एसे दे कम आंदे ने। लो दसो जी, दो दर्जन बटेर एक वेले खानी आ, दो दर्जन बटेर बहुते होंदे ने। नहीं जी, तंदरो सेहत वास्ते कोई बहुते नहीं होंदे। हां वे क्या पै रिया? ए सच मेरी मेम ती किथे? सावधान, खबरदार जे मेनू मेम कह, ए मोटी लगदी है कि नहीं पूरन सिंहनी? मैं सबके जावा थी। तेनू पता है कृपान केड़े गुरु महाराज ने बख्शी है? पर तेनू पूर्वन नु की पता? मैनू पूर्वन ना समझी, जब दा तेरा फौजी चाचा मैनू ले आया, मैनू गुरु घर नाल बड़ा प्यार हो गया है। झूठ, ए बिग लाई। लाई किने लाई? तू लाई, तू झूठी। झूठी? झूठी नहीं, मैं भी पूरी सिंहनी आ। कोई सबूत, कोई निशानी? दिखावा? बखा, शो मी। दिखावा? चल जान देती है। जगे
आई जगे छेती आना शिकार थो निकल जाएगा सर तुसी किथे जा रहे हो चलो ना शिकार खेडन चलिए नहीं जगी मैं शिकार खेड नहीं जा सकता मैं दमदमा साहब जा रहा हूं गुरु साहब दे बस्तर दखण वास्ते हाउ सर वो सच्ची में चीज है हां किसी श्रद्धालु ने संभाल के रखा है सर मैं भी तोड़ना चलांगी चलो चल वीर आपा भी चलिए ना भाई आप पता शिकार खेडन जावांगे तू जा फिर मैं सर ना जावांगी चलो सर चलिए और पहला माता जी ने तो पूछो बाय 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 जगी ये दशमेश पिता के बस्तर ने इन्हां ते अज भी खून के निशान मौजूद हैं नशा भरम भ्रष्ट करता है सेहत लई भी हानिकारक लगे हुए हैं जड़ा हरियां दूने इकबाल जोड़ियां सलामत रहन गरीबां नूं दान देने वाले सलामत रहन ते गरीबां नूं दान मिलदे रहन सरदार जी तुहाडा कुकर तुहाडे दर ते वेखो की लै के आया शिकारिया तितर रहे हैं सरदार जी तुहाडी नजर लाण वास्ते आया बड़े बड़े तगड़े तगड़े तितर बड़ी मुश्किल नाल फड़ के ले आया चल चल के बाहर देखो उन्हां नूं वेख के तुहाडी तबीयत खुश हो जाएगी शिकारिया तू सानू ओह थां नहीं दसदा जिथों तितर फड़ के लियाना मोतियां वालियो तुहानूं ओह थां दस के मैं भुखिया मरना डैडी अज तितर बनावांगे ओह श्योर श्योर शिकारी नूं दो मण कणक जो पाई फिर शिकारी साहब तुसी खुद सियाने हो सरदार जी इस पापी पेट लई बड़ा कुछ करना पैंदा है पर पापी पेट ए तां नहीं कहिंदा शिकारिया कि कुदरत दियां सुंदर चीजां नूं मार मार के खाई जाओ पर पाप ते खान वाले नु लगदा है फड के ल्याना वड्डा दोष शिकारिया हला मेरा ख्याल है मेरी आंखां उदों दी खराब हुई ने किस दिन दी ओ की दसा महाराज बंदा ते मैं ही बड़ा कपटन एक दिन मैं बटेरे पकड़ ले आया मैं सोचया इन्हां नु कल वेचांगे फिर ख्याल आया कि राती ये भज ना जान मैं उन्हां दी आंखां कढ ली राती मैं चंगा भला सुता सवेरे उठिया ते मेरिया अखां दे तेज ढिले होए सन कोई अख पटियाले भज रही सी ते कोई नाभे मेरे वसे च नहीं रहियां आ वेखो ना पता नहीं किन्ने रब दे जी मार मार के खा छड़े ने ते वेच छड़े ने हुण रातां नूं नींद नहीं आउंदी जिवें सारे इकट्ठे हो के मैनूं चुंझां नाल नोच रहे होण मेरी छाती ते कोई आके बह जांदा मेरा साह कुटिया जांदा मेरियां हड्डियां पसलियां दुखदियां ने मेरे शरीर का सारा इंजन पिंजर ढिला हो गया अजे नरकां च जाना है उत्थे जमा ने साडे नाल जवानी की करना है वो पता नहीं शिकारिया एक घड़ी के सिमरने पापी तरे अनेक हला मेरे करण दा भी कर कुछ हो सकदा है संग सखा सब तज गए को न निभयो साथ कहो नानक एह विपत में एक एक रघुनाथ संग सखा सब तज गए को न निभयो साथ कहो नानक एह विपत में एक एक रघुनाथ संग सखा सब तज गए
रखा सब सज गए कौन निभयो साथ कहो नानक है विपत में एक एक रघुनाथ संग सखा सब सज गए जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीत कहना न को फिर ना रहे जो बालों की भीत जग रचना सब झूठ है जग्गी हैं दस बज गए नो सर अजय छह ही बजे ने अमृत वेला सच नाम बढ़ियाई विचार जग्गी मैं सपना तो नहीं देख रहा नो सर ये हकीकत है कमाल हो गई जग्गी और सुबह छह बजे उठना कुछ समझ नहीं आया सवेरे सवेरे तू चाय बना के ले वो पूर्वन मर गई है क्या बड़े घर के बच्चे काम नहीं कर दे डैडी अपने हाथ ना काम करना चाहिए और सवेरे उठना चाहिए आई मीन वन शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग अमृत वेला सच नाम बढ़ियाई विचार डैडी लव ये मैं की देख रहा जग्गी दिखा वो भी सवेरे छह बजे कुछ समझ नहीं आता ओ चंडी पट्टा किवें दगड़ दगड़ करदा जांदा है की गल है कराला मैं तेरे नाल गल करनी है मैं तेरे जा केड़ा दूजी थां ते हाथ लाता तू तो यार हट्टी दे गेड़ा मारने हट गया ना नून ना चा ना गुड़ ओ दूजे दा गुड़ बड़ा मिठा हुंदा है ते दूजे तेनु मुफ्त दे दिंदे है तू तो मोर ही उड़ा दे मेरे यार अगले छात छात पैचां वाली आवाज नहीं मारदे ते तू तीजे दे नाल खुंडी खड़काउंदा मोर उड़ाते मेरे यार चल तू दो साल पैसे ना दे पर साडी हट्टी तो मुंह ना मोड़ तेरे बगैर तो साडी हट्टी दी रौनक ही अद्धी रह गई यार सच नाल गल सुनो चन्नी अजकल साडी हट्टी तो नून तेल लैन आउंदी है साडी बणिया नहीं इन्हां नूं पक्की सहेली बना लिया हुण तां आया करेंगे ना यार चन्नी आउण लग पई तां ही ओह तोते करार दी हट्टी ते कदी नहीं देखी असीं एवें मोड़ ते झंडी गड्ड के बैठे रहने करोड़िया तू सच कहने तू बंदा बड़ा पत्तेबाज है चंगा भलिया नूं तार के तुर जाना उड़ा ते बोर अख बड़ी पछाण दा यार सच गल सुन जे तेनू तवार नहीं आउंदा त मेरी हट्टी ते आके देख ली पर सौदा मेरी हट्टी ते लैणा होऊगा हुण असीं ओह तरीके छड़ते हुण असीं सवाया नहीं लाउंदे कौला ना होवे तां हुण असीं सिद्धा ही टूटा लाउने आ आप दे काम छड़ के पुण दे काम कर लांगे ऐ उड़ाई दे अंबो तू थोड़ा चिर इत्थे खड़ ते मैं माड़ा जिहा पुण दा काम करिया वां फिर आपां गल्लां करांगे पिंड दीआं गल्लां कुड़ियां कत्तरियां दीआं गल्लां फिर उड़ावांगे मोर ते फिर तेनू दिखाऊ तितलियां पक्का ठिठड़ है सोटी दे सारे मथा लत्ता घड़ीस घड़ीस के तुरदा कबरां दी तैयारी है ते कुड़ियां कतरियां दी गल्लां चस्का अजे भी है डर फिटे मुँह तेरा अपराधी धूना निवे जो अंता साडी किस्मत रब दी बाणी किथे अपराधी धूना सतगुरु ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਥੋੜਾ ਭਗਤ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਬਈ ਭਗਤਾ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੌਰੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬਦਾਮ ਦਾਖਾਂ ਲੈਚੀਆਂ ਪਿਸਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਾੜ ਕਾੜ ਕੇ ਖੋਆ ਬਣਾਤਾ ਫਿਰ ਚੌਲ ਪਾ ਕੇ ਖੀਰ ਬਣਾਤੀ ਲੈ ਦੱਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੰਦੌਤ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਐ ਭਗਤਾ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਐ ਜਮਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਬਸ ਦਿਲ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਰ ਉਡਾਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਤਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੀਰ ਖਾ ਲਓ ਲਓ ਛੱਕ ਲਓ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਾਉ ਜਾ ਪਹਿਲੇ ਬਿਠਾਈ ਨੂੰ ਖੀਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਐ ਪਰ ਧਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ
वाहगुरु इस प्रसाद नु पवित्र करना ऐ जिस किसे दे मुंह विच पवे अमृत बन जाए सतनाम श्री वाहगुरु तू ऐ दस यार बे ये नरक चंगा हुंदा है के स्वर्ग चंगा हुंदा है सुनया है चंगा ता स्वर्ग ही हुंदा है सुआ चंगा स्वर्ग ओ पैड़िया जिथे नशा पानी ना होवे लड़ाई दंगा ना होवे ओ जगह भला कादी चंगी नाले गल सुन मैनू रात नु सुपना आया जिवें आपां दोवें नरक च पहुंच गए होने आ फिर तां तले गए होंगे पकौड़िया वांगू निकल गया होनिया चीका झंडी पट्टा नरकां च रौनकां लोक नचण टप्पण कुदण शराबां पीण जमीन ते डिगण ते जम उहनां नू शराब दीआं बोतलां पई जाण ते मैं सोचिया भाई इत्थे तां विक्री बहुत है इन्ने नू धर्मराज ने बरका पलट लिया ओए मैं धर्मराज तों तैनूं पुन्न दे व्याज विच मंग लिया क्यों ऐ उड़ाई दे मोर ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਮਰੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੌਂ ਟੌਂ ਨਿੱਚ ਕਰੇ ਤੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮਰਨ ਗਵਾਂਡਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੈ ਭਗਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੀਰ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਓਏ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਅੱਗ ਤੇ ਫੂਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾਈਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੀਈਏ नाले सुन तेरी संगत कदी नहीं बैठी दा ते दूजे दा बुरा भी कदी नहीं चितवी दा बुरा चितवेया नरक मिलता है दंड मिलता है अच्छा दादा जी बाबा जी तुसी एनु किथे खीर खान के जा लिया ए ता सारा दिन इत्थे बैठा रहा करू कोई वड्डा छोटा नहीं सबे सांझी वार सदाएं कोई न दिसे बाहरा जीओ नाले कलगीधर पातशाह ने किया है इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं नहीं मोसे गरीब करोड़ माफा से बख्शो शुक्रगुजार है मेरे बच्चे तुहाडी संगत विच रह के नास्तिक तो आस्तिक बन गए ने बच्चे तो जी कोरा कपड़ा हुंदे ने जिस नू जो मर्जी है रंग दे लवो पर मैनू ये देख के बड़ी खुशी हुई है कि तुहाडे घर विच तुहाडे कारण सिक्खी दा बीज पल रहे हां जी पर सरदार जी तक कुछ दूजे ही ख्याल आते ने खैर तुसी कल फतेहगढ़ साहब जा रहे हो ना हाँ जी ते अगे मैं हेमकुंड साहब जावांगा काश मैं भी जा सकती सतनाम 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 श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु क्यों बाबा जी तबीयत खराब है ओ तबीयत तो ठीक है पर उम्र ठीक नहीं मैं तो हुण 90 नु पहुंचया खड़ा फिर बाबा जी करे आराम करना चाहिदा सी या किसे नु नाल लेके आना चाहिदा सी हेमकुंड साहब तो बहुत दूर है तुसी पहुंच नहीं सकोगे ओ तू सिंह होके भूल गया खालसे दी अरदास कदे बिरथी ने जांदी मैं अरदास करके चलिया मैं हेमकुंड साहब जरूर जाऊंगा मैनू कलगियां वाला साहब खुद पहुंचाऊंगा तू जा कलगी तारे अमर सितारे
पंथ चलाया। जातानू तू स्वयं मान सिखाया शेर बनाया। निकिया बढ़िया सब जातानू तू स्वयं मान सिखाया शेर बनाया। ऊंच नीच दा भेद मिटा तू साजे पंज प्यारे मां गुजरी दे प्यारे। तेरी जय हो वे
फिर के आई है। कितने जाना चाहनी है? चलो अस्तबल चलते हैं। ठीक है, मैं तेनू नवा खरीदया घोड़ा भी विखावांगी। जो चाहो सजा दे लेना। ठीक है, उन्हें भेज देना। दादी मेरे सोचिए, तू चोरी नहीं की, मैं तेन कुत्ते तो पड़वा देंगा, तू अपने आप समझ ना की। सरदार जी, मैं चोरी नहीं की थी, तुम किसी गल दसिया है। बकवास करा, एक चोरी दूजे चतराई, ये मोड़ मेरे खेता ही छोड़ा तो गोली मार देंगा। ज्यादा फौजा सरदार जी, जे बदला ना लिया तो प्यो तना जानी हो। की पी पढ़नी है? मामा सर का लेटर।
की करें बुढ़िया बकवास मत कर बुढ़िए। कल तो मेरे खेत छोड़िया तो मैं तू गोली मरवा दिया था। कल तो मेरा घर भी खाली कर दो नहीं तो उन्हें भी आग ला देना। मैं मेहनत कर लांगा, मैं टांगा वावांगा। ओए सरदारा, जे मैं अपनी मां दी खोई हुई बेसी का बदला ना दिया तो मैं भी प्यो दा पुत्र नहीं हो। खुश कीता रब तुहानू नेकी देवे। मैं कहना जी अजकल दे मुंडे ते कुड़ियां छुरियां ने छुरियां, पर की कीता जाए, जमाना कंबल बड़ी तेजी दा आ गया है। असी ठहरे पुराने जमाने वाले, 10 मील फी घंटा या तारा चलने वाले। वाला सोचो ते सही, असी ना बिना पंख उड़न वाले पंखियां नाल किस तरह कोल मिल सकने हां। साडा जमाना बड़ा चंगा सी दीवान साहब। आ जी चंगा भी सी ते मंदा भी सी ते किस्मत दी कुड़ियां खुलदी सन, असी पूजा करने सा हफ्तियां तक। कह रब्बा ए सोहणी वड्डी नहीं, इस ब्राह्मण सामने बैठ के थोड़ी वेख सकने सा। लो काका मुंडा करी गलबात चली असी पाया जी ने कहा, पाया जी पहले अस कुड़ी वेखांगे ते फिर व्याह करांगे। पाया जी कहन लगे, की कहन लगे? कहन लगे ओए सॉरी रिया जाऊं हाथ चुकी हूं। पर असी 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 आप पर ही गए, आप पर ही गए। साडे भाईया जी सा ना बोले जो मनान मनान मनान, हां पर असी किथे मनन वाले सा। हां जी साडे भाईया जी सा ना ओ फूल सिर में सारे वाली कोठो वाली जुत्ती पांदे सन जी, ते ओना ने ओन जुत्ती काट ले, जुत्ती काट के ओ सेवा की, ओ सेवा की साडी ते शायद कोई प्यो अपने पुत्र दी नहीं कर सकदा। जमाते पढ़ रही है जी? बीए। अच्छा आगे भी पढ़ रही है जी? और कुछ बिताई पुत्र जी तुसी की कर रहे हो? सीनियर कैमरे। सीनियर कैमरे ओ बल्ले ओ बल्ले कुछ किता है मजे पे ना एनु तुसी आईएएस वास्ते भेजो, साडे सरदार साहब दी बड़ी पहुंच है, एकदम डीसी बना देंगे। पर सरदार होरां नु अज तो थोड़ा जिहा वक्त कट के आना चाहिदा सी। खुश कीता है तां ते पता है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੰਗ ਦਿੱਲੀ, ਦੂਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਬੰਬਈ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਕਲਕੱਤੇ। ਪਰ ਮਾਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਟੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 6-8 ਟੰਗਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਲੱਕ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਟੰਗ ਬੰਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟੰਗ ਹੁੰਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਦਿਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਬਾਬੂ ਜੀ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਗ ਦੇ ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਕਿਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਕਾਕਾ ਰਾਜਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਏ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਏ ਮਦਾਨੀਆਂ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਡਾਡਿਆ ਰੱਬਾ, ਕੀ ਨਾ ਜੰਮੀਆਂ ਕੀ ਨਾ ਲਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ। जीत
शर्मा गई पुत्र, मैं ते आज बहुत खुश हाँ। वाहेगुरु ने तेरा इन्ना वड्डा पाक किया, तेनू खुशी है ना? क्यों मुंह क्यों नहीं बोलती? तेनू ये रिश्ता पसंद नहीं की? बोल ना। नहीं मामा, मैंने बिल्कुल पसंद है। क्यों? उदे विच नुक्स की है? मुंडा सोहना है, खानदान वड्डा है। दस्ता, मैं तेरी माँ है, मामा ती आदा की पर्दा। मामा, मैं तो गुरसिख नाल व्याह करांगी। जग्गी, इह की पई कहनी है? मेरी लाडली थी, मेरी मेमनी थी। कदे कदे खोटा पैसा भी कम आ जांदा है। ले मार हड़ा ते कम दूर कर। ਇਹਦੇ ਗਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਲੈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਬਦਲਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਜੀ ਦਾ ਬਦਲਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਜੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਰਕਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਭੌਂਕ ਨਹੀਂ ਓਏ, दो घुट पी के गप्पा मरन ते फिरना। असी सरदार दी पांच साल चोरी की थी, उसे जानी दुश्मन दे नाल जराना रखा, ते साडे उन्ने केड़ी टंग तोड़ ली है? वो थोड़ी जिन्नी बेइज्जती हुई है ना, फिर की होया? पर पुत्र साडा जरा हाथ पैन दे, फिर वेखी साडा वार। सरदार सारी याद रखेगा, पर पुत्रा सरदार दी उच्ची आवाज सुन के तेरा ते पेशाब निकल जाता है। असी होए कमजोर दिल दे बंदे, ते तू होया शेर, ते ओ भी लंगड़ा शेर, ते लंगड़ा शेर बड़ा खतरनाक हुंदा है। पुत्र, उन लंगड़ा शेर कुछ करके बखाएगा। ओ लंगड़ा शेर कुछ करे चाहे ना करे, चंडी पट ने अपनी चंडी कट दिती है, ते ए चंडी हुण किसे गल ना ही पट हो, ते असी पुत पूछ नूं मरोड़ी देती है, ते यार हुण दूर खड़े होके तमाशा देख। सत श्री अकाल सरदार बहादुर। आओ महाराज, असी बड़े खुश हां। ला फड़े 100 रुपया, ਉਸ ਦੀ ਪੀ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਜਾ ਸਾਰੇ ਅੱਜ। ਹਰੀਓ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਮੰਨ ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਨੀ ਲਾ ਦਿਆ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਓਏ ਫੁੱਟੀ ਕਿਸਮਤ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਆ ਪਿਆ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਫਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲਾ, ਚੱਲ ਤੇ ਲੱਗ ਮੱਥੇ, ਤੇ ਖੇਡ ਕੋਈ ਦਾ ਪੇਚ, ਜੇ ਪਤਾ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਬਈ ਭਗਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਵਾ ਦੇਵਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ। ਨਾ ਭਾਈ ਭਗਤਾ, ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਖੇਚਲ ਕਾਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦੱਸੂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਦੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਨਾ ਭਗਤਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਘਸ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਦੀਆਂ। ਭਗਤਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੱਸ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂ? ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਡਾ ਤੇ ਮੋਰ, ਇਹਦੀਆਂ ਤੰਗਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਫਸਲ ਪਈ ਆ? ਕੋਈ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਉਡਾ ਦੀਏ ਤੋਤੇ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਕੜ। ਓਏ ਆ ਵੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਸਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹ ਲਾਲਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਆ ਮੁਕਸਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਵਿਰਕੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨੀ ਸਮਝਦਾ, ਰੋੜੀ ਮੱਲ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ।
ਇਹਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੱਸ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਈ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਾ ਲੱਗੀ ਐ ਉੜਾਈ ਦੇ ਮੋਰ ਚੱਲੋ ਝੰਡੀ ਪੱਟਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਆਜ ਨੇ ਖਾਧੀ ਕੜੀ ਉਹ ਝੰਡੀ ਪੱਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੀਰ ਖੋਆ ਤੇਕੜਾ ਖਵਾ ਖਵਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਾਉਂਦਾ ਉਹ ਐ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੋਰ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਰੇਤਾਂ ਓਏ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੇ ਸੜ ਜੂਗਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜੂਗਾ ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਦੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਜਿਤਨਿਆ ਨਰਕ ਮਿਲਦਾ ਦੰਡ ਮਿਲਦਾ ਨਰਕ ਮਿਲਦਾ ਦੰਡ ਮਿਲਦਾ ਨਰਕ ਮਿਲਦਾ ਦੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹਾਲੇ ਮੋਰ ਨੀ ਉੜਾਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਾਮੜ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੁੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਹੈ ਨੀ ਸੀ ਲੈ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਲੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਗਏ ਪਾਣੀ 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 ਲਈ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਰੋੜੀਆਂ ਲੈ ਨਾ ਮੇਰੇ 13 ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ 13 ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਹੀ ਸਮਝ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਛੇਤੀ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਇੰਦਰਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਉਡਾ ਤੇ ਮੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਡੂ ਖਾਂਦੇ ਪਾਟੇ ਖਾਂ ਇੱਧਰਲਾ ਮਾਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਧਰਲਾ ਮਾਰ ਇੱਧਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲਾ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਫਰਾਂ ਵਧਾ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉੱਡ ਗਏ ਮੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਖੂਚ ਡਿੱਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ 3 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲਿਖ ਤੇ ਮੈਂ 13 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਤੂੰ 23 ਰੁਪਏ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ 13 ਦੇ 13 ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿੰਦੀ ਹੋਰ ਲਾਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਢਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਾਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕਾਂਟਾ ਬਦਲਾਂਗੇ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸੌਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭੈੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰੀ ਹਾਂ ਮੰਮਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਕੀ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਕਮਿੰਗ ਕੀ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਮਮਨ ਡੈਡੀ ਕੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰਿਆ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਇਹ ਜਿਹੀ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਜਲਦੀ ਜਾਏ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੈ ਕਾਲਜ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਟੁੰਟੁੰ ਜੀ ਹੈ ਹਾਏ ਸ਼ਟ ਅਪ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਪਾਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਰਤਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਚੰਦ ਬੇਟੀ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਬਾਪ ਇਹਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਬਾਪ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਾਪ ਨਿਕਲਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਲੱਡੂ ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਦੇ ਲੱਡੂ ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਦੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰਡਨ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜੀਰੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਐ ਲਓ ਜੀ ਪੰਜੀਰੀ ਖਾਓ ਤੇ ਸਿਹਤਾਂ ਬਣਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਦੁਬਲੇ ਜੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਫੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ 400 ਪੌਂਡ ਵਿੱਚ 100 ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਗਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਟੁੰਟੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਚੋਣੀ ਕੁੜੀਏ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਹੁਣ ਟੁੰਟੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੇਦੀ ਨਹੀਂ ਪੀਲੇ ਵਰਗੀ ਸੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਤਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪਰ ਅੱਛਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਉਹ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਆਈ ਸੀ ਆਹ ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿੰਗ ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿਆ ਉਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੜੇ ਪਤਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅੱਜਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੁਣੇ ਕਰ ਡਾਲੀਏ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਅਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਦਿਓ ਨਮਸਤੇ ਜੀ ਨਮਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਂਡਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਦੀਪਾ ਸਿੰਘ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਨਾ ਬਾਹਰ ਚਲੀਏ ਲੌਂਜ ਵਿੱਚ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਟ ਆਊਟ ਫਰਮ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਲੀਵ ਮੀ ਅਲੋਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਹੂੰ Thank you.
चूर दे लड्डू खा, मेरा सर ना खानी। ये पेरेंट्स भी अजीब ने, चटकार आन वास्ते लिख देंदे ने। दसो तुसी बच्चों दा अचार पाना है कार विच? अरे इन्हां नूं पढ़न दिओ, उपरो लिखा है इकली नूं भेज दिओ। किस तरह भेज दिओ? मैं कोई निकी जी बच्ची नहीं, ये तू मैनू उल्लू बना के तुर जाएंगी। अच्छा एक गल सुन, सच्ची सच्ची दस मैनू, ये चिट्ठी तेरे डैडी ने लिखी है? जी मैडम, तुसी सिग्नेचर मिला के देख लो ना। खास कर जे मैं तेनू अकेली नू अकेले भेज दिता, ते तू रास्ते विच इधर विधर वेखागी, जरा मैनू बर्दाश्त नहीं। नहीं मैडम, मैं बिल्कुल इधर उधर नहीं देखांगी, मैं बिल्कुल अखां बंद करके जावांगी। इम्पॉसिबल, मैनू यकीन नहीं आंदा, मैं सारी जिंदगी विच इधर उधर नहीं वेख्या, पर मैथों भी परसों इधर विधर वेखा गया। ते तू किवें हट जांगी? तू तो वेखण ते ही महा शरारतन लगदी है। कुड़िए तू मैनू तंग ना कर, ना कर तेनू रब दा वास्ता। नहीं मैडम, मैं शरारतां करनियां बिल्कुल छड़ दित्तियां। तेरी कुवारी बोल। मैं शरारतां करनी छड़ दित्तियां। छड़ दित्तियां? तेरा नाम की है? जगजीत कौर। जगजीत कौर? ओए कुड़ी जेड़ी कुड़ियों नाल गा रही थी, हैं अज इत्थे जूझार वाली कुल गई। चुम चुम रखो कुड़ियो। वाह वाह वाह, सत्के जावा, तू जा पुत्र जा, तेरे ते मैनू पूरा भरोसा है। लेकिन याद रखी, ओनू जरा संभाल के रखी। हां ओके मैडम, थैंक यू। मैं सत्के जावा। हाय रब्बा। अज तू मैं बनी खड़ी है, हाले तो मैनू पूरा दिसदा नहीं, जे लेखे नाल देखा जावे तो पूरे पंजाब दे पहुंचे खड़ा है। नजर आते तोते उड़े पए है, किते नजर ना लग जाए। बड़ी सोहनी मटियार निखरी है, किसे चंगे अफसर नाल ब्याह कराई, ईकड़ा छोटे कर दी है। अरे आई नहीं जीप, हद हो गई यार। पता नहीं की गल हुई, अजे तक नहीं पहुंची। फिर मैं चला, मैं घरे छड़ दावा, पर मैं सौरी जाना सी। सानू देख बुढ़े हो गए, किवें सौरी जाना चा चढ़िया है। कुड़ा ते मोर ओला गड्डी चीका मारी जांदी है। कुड़िए ओ अपने पिंड दा तांगा खड़ा है, जायदारा कुछ लै जा। तेन पता नहीं मैं किसे थी है? जेलदार थी। ओए उसके को मैं बदला लेना है। तेरी डैडी तेरा खानदान तबाह कर देंगे। देख आगे ना बात। अपना और खेलना ही तो शेर का काम है। नहीं क्यों नहीं? शू 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 अजे तक आई नहीं? इतने तो नहीं आई, जाओ जल्दी लग। पता नहीं कितने चली गई। वाहेगुरु, मेरी धी की सदी राखी रखना।
पता किता तू किधे टांगे ते चढ़ी जड़ी कोई शेरे नाम दा बंदा सी वो सराम ज़ादे दा तो कोई कर काटी नहीं सारे खेतां नूं आग ला दो ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸੂਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ 14000 15000 15000 ਇੱਕ 15000 ਦੋ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ 5000 5000 ਉੱਚੀ ਓਏ ਲੰਗੜਿਆ ਐਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਵਾਂਗਰ ਵਧੀ ਨਾ ਜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਠੀਕ ਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਓ ਜਬ ਆਵਾ ਚੇੜੇ ਵਾਂਗਰ ਤੁਮੋ ਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ठीक है मेरे डैडी तोड़ा खानदान तबाह कर देंगे कुत्तियों उन तेरे बाप दे बाप का बाप भी नहीं पहुंच सकता सो बाप पागल है कुत्तिया ओए वाले नगर चाहिए नगर हाँ आज भी रहा ओए अभी दिन चढ़न तो पहला पहुंच रहे हो फिकर ना करी क्यों भाई ठीक है आओ फिर मेरे नाल चलो सवेरे तक पहुंच रहे हैं फिक्र ना करी ओए शेरिया ओए लंगड़िया इधर आ यारां दी थापी ले ला तेरे वर्गे सूरमे मावा ने कर कर नहीं जमने ओए तू साडे दुश्मन दी तीज चक के ले आया आ तनु दारू नाल लवा रही है चल मुंडिया ओ वेलिया असी दारू नाल दे अगे ना आते रे तो अपने गल कर ले लेना है चल किरा पुरजा देखिए पुत्रा लगदा चौदवी दा चंद होनी है चंद ओए कितो वरे जाना पुत्रा चौदवी दा चंद वेख ले नोट चाहिए नोट क्यों टिचड़ा करदा यार तेरे मार के दी थापी तनु देती है और तेरे ना जहीर लवा दिया ਵੋਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨੀਲੇ ਨੀਲੇ ਸਾਰਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਦੋਹਾੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਦਾ ਹੱਡੀ ਮੂੰਹ ਚ ਦੇ ਦੇਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਭੌਂਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਿਆ ਮੂੰਹ ਸਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਜਾਏ ਨੋਟ ਕੱਢ ਨੋਟ ਓਏ ਹੁਣੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇ ਜਾਂਦਾ ਹੱਟ ਪਾਸੇ ਅਰੇ ਬੁਲਿਆ ਓ ਕਿਉਂ ਮਾਤ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਲੰਗੜਿਆ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ टोटे टोटे करके जंगल छोड़ दूंगा आटो बढ़िया कातला तार पेंच लंडी पूछी कोलो ते जूतियां गांदा फिरना चलो पुत्रा शुरू हो जा बदल मनु दे पता लगू टीचू ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
टीचू बिल्ला भी बड़ी छुट्टी है तेन याद रखी मेरा पैसा मेरी दौलत मेरी ताकत मेरे किसी काम ना आई। मैं अपनी दीदी राखी भी ना कर सकता। गुरु जी पूछा मैंने इन बंद कर रखे पर ऐ तू की कर रही सी वाहेगुरु जी पूछा नहीं हो के तू आत्महत्या कर रही सी बाबा जी की कर दी मैं कर दी सा नहीं 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 जिस दे अंग संग वाहेगुरु हो ओ कला के नहीं हो सकता ऐदा मतलब है तू वाहेगुरु नु याद नहीं कीता तू उस नु याद नहीं कीता जिस दी उड़दी चिड़िया ने बाजा नु डा लिया सी बाबा जी तू रो क्यों रही है शेरतियां कभी नहीं रोंदियां ये तू गुरु महाराज नु याद कर ओ अंग संग सहाय होंगे उन्हां दे बख्शे हुए शस्त्र नु याद कर बोल सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ ਜੱਗੇ मेरी बहन मैं इस कुत्ते नु गोली मार देंगा नहीं वीर जेड़ा पहले ही मर चुका उस नु होर की मारना इस कुत्ते नु अपने कीते दी सजा मिल चुकी है जड़ी तू मेरी बहन कौन सी हो मैं उसका खानदान तबाह कर दूंगा नहीं डैडी उस नु उसके कीते दी सजा मिल चुकी है वो किस तरह मैं पटकिया सा दाता मैंने सच्चाई की सोझी मिल गई पर आज मैंने पता लग गया कि पंज ककारा की महानता की होंगी मैं सारी जिंदगी पटकते ही रहा बाबा जी शराब शिकार तन दौलत ते ताकत के नशे में भूल ही गया कि इन चीजों की साड़ी जिंदगी बहुत अहमियत है वाहगुरु का लख लख शुक्र है कि तुहानू सोझी आ गई बाबा जी मैं तुहाडा बड़ा एहसान मंगा तुहाडी सिक्ख्या के कारण अज मेरी धी पंज ककारा का पालन कर लग पई है
जिदे कारण ना सिर्फ उदी आज जान ते इज्जत बची है सगो मेरे खानदान दे नाल नाल सारी स्त्री जाति दी इज्जत बच गई। कलगिया वाला दाता ही सब कुछ करन आ रहा है। बाबा जी आज मैं तुहाडे सामने पूर्ण सिंह सज्जन दा प्रण करना ते शराब शिकार ते हंकार दे त्याग दा भी वचन देना ते अपनी धी जग्गी दी शादी उसकी मर्जी के मुताबिक उस प्रोफेसर नाल करके दोनों हेमकुंड साहब की यात्रा वास्ते भेज दांगा। शाबाश सहदार साहब शाबाश। हंकार त्यागना नेक काम करना सच दे रस्ते ते चलना हर मनुख नू बराबर दा मान सम्मान देना हर इंसान दा सच्चा रूप है। मैं खुश हाँ कि तुसी पंज ककारां दी महानता नू समझ लिया। शक्ति पंज ककार